नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने इस बात को कहा है कि हम चुनौती देते हैं मुख्यमंत्री दो दो हाथ कर ले 2024 में। जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने कहा कि 14 में जो आए हैं वो 24 में नहीं आएंगे, इसको लेकर उन्होंने कहा है। साथ ही साथ जिस प्रकार से लगातार बिहार सरकार यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पहले NDA के साथ में थे तो इनका कहना है कि 2 महीने से चुप्पी साध रखे थे। जब हमारे नेताओं ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने इस बात को कहा कि सब कुछ ठीक है, और आज जब सरकार को छोड़ा उन्होंने तो स्पष्ट रूप से उन्होंने जो बयान दिया नीतीश कुमार ने कहा कि काफ़ी तनाव हो रहा था। तो तनाव किस बात का हो रहा था? जो PFI यानी उग्रवादियों पर कार्रवाई हो रही थी उस बात को लेकर तनाव था, या जिस प्रकार से नीतीश कुमार को तनाव हुआ है तो अगर उन्होंने इसको लेकर सरकार छोड़ा है तो ऐसी 100 सरकारें कुर्बान है। अगर उग्रवादियों संगठन पर कार्रवाई होना है तो वो होकर रहेगा, इसके लिए कई सरकार जाए। लेकिन जिस प्रकार से केंद्र सरकार की जो योजनाएं, पथ निर्माण मंत्री BJP कोटे से नितिन नवीन थे और उन्होंने कई एक्सप्रेसवे पे काम शुरू किया, सवाल ये कि क्या जो एक्सप्रेसवे पर बिहार में काम चल रहा है वो काम वैसे ही चलता रहेगा या उसमें धीमी आ जाएगी? उन्होंने कहा है कि जो केंद्र सरकार है उसने जो फंड दिया है और आगे भी केंद्र सरकार सहयोग करती रहेगी। हमारी सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, प्रतिबद्ध है अपने बिहार की जनता की ओर। हमें मैंडेट मिला था बिहार की जनता की तरफ से और हम बिहार की जनता के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हालांकि नितिन नवीन ने किस तरीके से मुख्यमंत्री को चुनौती दिया है, सुन बातें उनके बयान। चिंता नहीं कीजिए, बिहार की जनता देख रही है। ये अवसरवादिता के राजनीति करने वाले लोग जो पर्यावची बने हुए हैं अवसरवादिता के, निश्चित रूप से बिहार की जनता उनको जवाब देगी। 2 महीने से खामोश होकर बोल रहे हैं कि आज हम तनाव में थे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर किस प्रकार का तनाव था बिहार में? क्या उग्रवादी संगठन पर कार्रवाई हो रही थी उससे आपको तनाव हो रहा था? अगर ये तनाव हो रहा था इसलिए आपने सरकार को कुर्बान किया तो हमें ऐसी सरकारों पर कुर्बानी पसंद है, लेकिन किसी भी हाल में बिहार की जनता को असुरक्षित हम रहने। आप लोग को इसकी बात की भनक नहीं थी कि इस तरह की हो? अरे भाई, जब लगातार वो बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारे नेता बात कर रहे हैं, हमारे मंत्री, हमारे DCM बात कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, और बाद में आप ये करते हैं, बाद में बोलते हैं तनाव था, तो हम तो पूछना चाहते हैं किस प्रकार का तनाव था? 2 महीने में ऐसी कौन सी घटना घटी जिससे आपको तनाव हो गया? उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि हम ये गठबंधन से निकल जाएं, उन्होंने इस बात को कहा। बीजेपी 2013-17 में आप ना आज चाहते थे, आपने ना कहा था कि भ्रष्टाचार मॉडल से हम समझौता नहीं करेंगे इसलिए हम बाहर आना चाहते हैं। आप कल बोले थे वो सच था कि आज बोल रहे हैं वो सच है, ये तो उनको बताना पड़ेगा। 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, तो 14 में जो दो दो हाथ किए थे ना, तो हम 24 में भी दो दो हाथ करने को तैयार हैं। हिम्मत है तो जैसे 14 में चुनाव लड़े थे 24 में लड़के दिखा। आप लोग आगे कैसे क्या करेंगे, आगे बिहार में किस तरीके से संघर्ष करेंगे? संघर्ष करेंगे, सड़क पर संघर्ष करेंगे, और बिहार की जनता को जो आपने कई एक्सप्रेसवे बिहार को दे दिया है और देने भी जा रहे थे, क्या उन सभी पर निश्चित रूप से हम लोग तो केंद्र का पूरा सहयोग मदद रहेगा ताकि योजनाओं का कोई काम कमी नहीं आए। हमारी प्रतिबद्धता बिहार की जनता के प्रति है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि बिहार की जनता ने जो हमको मैंडेट दिया था उससे हम उनके सेवा भाव में काम कर पाएं। लेकिन अब यहाँ की सरकार जो भ्रष्टाचार मॉडल पर काम करती है, उनका क्या भविष्य होगा वो देखिए।